क्योंकि मैंने साइड पर रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं गई हुई थी अपनी बेटी को लेने, नाना अबू के घर गई थी। आज स्कूल से आते हुए उसने मुझे बोला कि मामा मैंने जाना है नाना अबू के घर, तो रस्ते में उनका घर पड़ता है, तो उसकी कज़न भी वहाँ से जाती है, तो मैंने उसे वहाँ ही ड्रॉप कर दिया। तो अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा उसको ले आऊं। तो जनाब मैं उसको लेकर तो आ गई हूं, लेकिन अभी भूख बहुत ज़्यादा सख्त लगी हुई है। तो आज खाना है अभी बनाने वाला है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से उसके लिए चिकन कढ़ाई है जो वो बना लेती हूं। तो यहां पर मैंने चिकन है जो वो मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया है पानी में, गर्म पानी में रखती हूँ हमेशा ही, जल्दी जल्दी से वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से प्याज काट लूँ, भूख उसको भी बहुत सख्त लगी हुई है और मुझे भी बहुत सख्त लगी हुई है। आज मैं थोड़ी सी लेजी हो गई थी, मैं कल पूरा दिन काम लगी रही थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आज थोड़ा सा रेस्ट भी किया और लेजी भी हुई हुई थी, तो मैंने दिन को खाना नहीं बनाया। तो मैंने सोचा अभी चले बनाएंगे खाना। आलू गोभी बनाने लगी थी लेकिन मुझे कहती है मामा मैंने चिकन खाना है, तो फिर मैंने इसके लिए अभी चिकन निकाल के रख दिया हुआ। तो मैं साथ साथ आप लोगों से मैंने सोचा बातें भी कर लूँ और साथ साथ मैं प्याज भी काट लूँ जब तक चिकन डिफ्रॉस्ट हो रहा है। Thank you.
ये रेसिपी है जो वो मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है चिकन कढ़ाई की, लेकिन उस चिकन कढ़ाई में मैंने प्याज नहीं डाले थे। ज़्यादातर यही कहा जाता है कि चिकन कढ़ाई में जो ओरिजिनल चिकन कढ़ाई है उसमें प्याज नहीं डालते, लेकिन वो भी मैंने प्याज के बगैर ही बनाई थी, लेकिन आज है जो वो मैं प्याज के साथ ट्राई करने लगी हूँ। वैसे प्याज के बगैर बनाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जायका आता है उसका, लेकिन आज मैंने सोचा कि प्याज के साथ है जो इसको बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज इसका जायका कैसे आता है। वैसे मैंने प्याज के साथ भी बनी हुई है जो वो खाई हुई है, मेरी बाजी हैं जो वो बहुत ही मज़े की बनाती हैं, पाकिस्तान में वो होती हैं, लेकिन उनके हाथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जायका है। तो जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ उनको मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ तो वो बना कर देती हैं। लहसुन को चॉप करके मैंने साइड पर रख लिया है, तो अब हरी मिर्च है जो उसको भी बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। प्याज ब्राउन करते करते चिकन भी डिफ्रॉस्ट हो गया है, तो मैंने अच्छी तरह से धो के इसको शामिल कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद फिर जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता इस चम्मच इसी तरह चलाती रहूँगी। तो जनाब ये थी आज की मेरी मुख्तसर सी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें।
वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।